नमस्कार जी। अच्छा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पहले तो मेरे को पहले मैं गाड़ी लाने से डरता था यहाँ पर कोर्ट में, यार गाड़ी कहाँ खड़ी करूँगा, बड़ी प्रॉब्लम है। 5-4 साल पहले की बात है, और अब मैं एक्टिवा पर आता हूँ वो भी डरता हूँ कहाँ लगाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जाम लग जाता है, जो रास्ता है ना बीच में, तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल कर आया। और जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर इतनी बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, ये देखिए बाथरूम है यहाँ पर, इधर ही बाथरूम है, और ये जो इस तरफ लिफ्ट लगी हुई है, और इतनी गंदी स्मेल आ रही है जहाँ पर कि जैसे जैसे मैं भी एंटर किया तो मैं वापस मुड़ कर आया। यार मैंने कहा इतनी बदबू आ रही है जहाँ पर कि यार जहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, ठीक है पढ़े लिखे लोग हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन जहाँ पर जो लोग आते हैं वो क्राइम करने वाले हैं, झगड़ालू हैं, चोर चक्के, ना जाने कितनी किस्म के घटिया से घटिया लोग हैं जहाँ पर, जिनको यही नहीं मालूम कि समाज में कैसे रहना चाहिए, वो लोग आते हैं। तो देखिए लुधियाना शहर का ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाइब्रेरी है, मेरे पास रहा नहीं गया, ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने वाले वकील यहाँ पर आते हैं। ये देखिए यहीं पर सारा कानून छिपा है बीच में, और 75 साल की आज़ादी के बाद इन्हीं किताबों में हम ढूंढते रह गए कि लॉ क्या है, क्या सजा है। और देखिए भगत सिंह को भी यहाँ पर इन्होंने लगा दिया, उसका भी तस्वीर लगा दिया है। भगत सिंह तो मुझे आज के नौजवानों में कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन फ़ोटो जरूर वो भगत सिंह की लगा रहे हैं। और देखिए इधर से भी लोग आते हैं, बड़ी गंदी स्मेल है, और ये ऐसे ही लाइनों में गर्मी के बीच में जहाँ लोग खड़े रहते हैं, लिफ्ट एक चलती है, और ये देखिए कितना बदबू आ रहा है जहाँ पर, ये कितना घटिया जहाँ पर, ये पानी और ये टाइल और ये गंदा सिस्टम जहाँ पर, पता नहीं कैसे यार लोग जहाँ पर आते हैं, मेरे को तो समय से पते परे है। वो देखिए सीट भी टूटी पड़ी है जहाँ पर, गंदगी है देखिए, तो देखिए यहाँ कितना गंदा है। अभी ये रेनोवेट किया था 4-6 महीने पहले, वाह बदबू, मैं तो भाई अंदर बना जाऊँगा अभी इसके। और देखिए ये भी देखिए, ये भी यहाँ पर कूड़ा यार कितना गंदा है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है भैया लुधियाना का, जो महानगर या मेट्रोपोलिटन सिटी बोल देते हैं इसको हम, यहाँ कहते हैं लुधियाना में बहुत बड़े बड़े शाहूकार लोग रहते हैं, बड़े बड़ी मिल लगी हुई है यहाँ पर, और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके जो कानून के रखवाले हैं, तो देखिए अरे बाबा, और यहीं पर चाय वगैरह के बर्तन धोते हैं जब, चलो कोई बात नहीं, सफाई कर्मचारी भी इधर है। और ये लेडीज बाथरूम है, और यहाँ पर सफाई का आलम तो आप देख ही रहे हैं, कितना बुरा हाल है यार, हाँ सारा देख रहे हैं, बहुत बदबू आ रही है। थे मैं क्या आप मैं मैं तो बाहर ही है, मैं तो बदबू बड़ी आ रही है, मैं क्या थे हैं। और देखिए जहाँ पर जैसे जैसे आगे चल रहा हूँ मैं, तो जहाँ पर मैं तीर्थ करेवाल जी के पास आता हूँ मिलने के लिए उन्हें अक्सर, वैसे मैं भी एडवोकेट हूँ, लेकिन जो हालात है यहाँ पर, जो घुटन महसूस होती है जहाँ पर, और जो एक हेल्दी आदमी है जहाँ पर अगर वो भी बीमार हो जाए, और देखिए जहाँ पर सफाई कर्मचारी क्या करेंगे, जहाँ पर ये कोर्ट है, इधर जज बैठते हैं, और इधर ये कम्प्लेक्स है। नमस्कार जी, क्या हाल है? बस ठीक ठाक, और सुनाओ? बड़ी बदबू आ रही है, बड़े इतने मैं अंदर बड़े रहन नहीं, स्मेल आ रही है ना, मैं क्या जा रही है, वकील यार पढ़े लिखे चले गए वकील साहब, अरे तुम वकील हो, वकील ऐसे कहने हैं भाई सफाई होनी चाहिए है, नहीं यार सफाई रखो की हो रहा है, हां पानी उधर चेपर पर कितना गए थे बाहर की है रखिए कहने, हां बाहर देखो एक लुक तो निकल गया पानी बाहर, बड़े इधर को यार बड़े इधर दिखाओ तेरे वकील साहब, ये तो पानी अंदर गिर रहा है, वाह पानी अंदरों गिर रहा है, अच्छा चलो देखो किन्ना भी जाने का बुरा हाल है थे, चलो कोई गल नहीं यार, हूँ अकलमंद लोग ने सारे पढ़े लिखे ने, कानून दे रखवा लेने आपे, केस कूस करके आपे कानून बदल देंगे, है